ये जी दोबारा अपने अंडों पे बैठ गई आ गई। एक ये तीन बच्चे हैं इसके, और ये वाले इसके अंदर चार बच्चे हैं। इनको पहले मैं बंद करूंगा, ये वाले बच्चे जो हैं वो बहुत तंग करते हैं। आता ये अब इसके माशाल्लाह चार बच्चे हैं, चारों जो हैं वो थाई हैं। चलो मादी चेक करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेट्स वैली में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज हम आपको मुर्गियों के अपडेट देते हैं। हमारी जो मुर्गियां उन्होंने बच्चे निकाल लिए हुए हैं, दो मुर्गियां बच्चों वाली हैं, एक को हमने अंडों पे बिठाया हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत मादी है हमारी। उसके नीचे हमने 13 अंडे रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ में हम आपको देसी मुर्गियाँ दिखाएँगे, उनकी अपडेट देंगे कि उन्होंने कितने कितने अंडे दिए हैं, कैसे चल रहा है। तो आज सुबह मैं मंडी गया हुआ था, तो मंडी से कुछ चीज़ें लेके आया था, मेथी पालक वगैरह, वो काट के मैंने डाली है। इनको अभी डालनी है, आप वीडियो के अंदर ही डालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मैंने मेथी और पालक जो है वो काफ़ी ज़्यादा काटी हुई है मकदार में, कुछ जो है वो उसके हमने पका लिया और कुछ जो है हम उसके अंदर डालेंगे। तो ये हम चलते हैं, यहाँ पर हम अपने डरबों की तरफ जा रहे हैं जी। तो ये देखें, ये सफाई वगैरह की थी सुबह हमने, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये देसी मुर्गियाँ तो उधर हैं, तो ये यहाँ पे मैंने सील जोड़ा रखा होता आपका। ये हम हमारी मुर्गियाँ, तो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये वाला पेड़ जो है वो आपको दिखाते हैं, ये आपने देखा हुआ है। ये देखें, ये मुर्गी है माशाल्लाह, थाई मुर्गी है जी। इसने ये तीन बच्चे निकाले हुए हैं, काफ़ी अच्छे और बेहतर हैं, तो इनको भी डालते हैं। इन्होंने वैसे खा लिए हैं पहले, ये इधर ही खा रहे थे काफ़ी टाइम से, इनको भी डालते हैं। कुछ इधर डाल दूंगा मैं, उसके बाद मैं आपको एक और मुर्गी दिखाऊंगा। ये जिसने नए बच्चे, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको अंदर ही डालेंगे। ये देखें, ये पिछली वीडियो में ये वाली मुर्गी ने एक बच्चा निकाला हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। ये अब इसके माशाल्लाह चार बच्चे हैं, चारों जो है वो थाई हैं, शामों थाई हैं। ब्लड लाइन मुर्गी जो थी वो शामों थी, और मुर्गा थाई है जिसके ये बच्चे हैं। ये माशाल्लाह बेबीज देखे ना, बहुत प्यारे बेबीज हैं, छोटे छोटे हैं। तो इनको मैंने इधर ही डाल दिया। इसके नीचे मैंने कारपेट डाला हुआ है, ये देखें कारपेट डाला हुआ है, क्योंकि कारपेट में जो है वो सर्दी नहीं लगेगी, और बाहर से मैंने कवर किया हुआ बहुत अच्छी तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट डरबे की तरफ, वहाँ पे आपको दिखाते हैं अपना मुर्गा और मुर्गी। इनको बंद कर देते हैं, इनको खाने देते हैं यहाँ पे। ये जो है ये भी यहाँ पे सैर व तफरी कर रही है। ये माशाल्लाह मादी चेक करें आप, कद चेक करें मादी का। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे बड़े पेड़ की तरफ, और उनको भी डालते हैं। ये अहमद साहब ही आ गए हैं। अहमद साहब आप वहाँ पे रुके बेटा। तो एक हमारा ये इधर पेड़ है, इस पेड़ को भी हम डालेंगे, तो इस इनको भी अंदर ही डाल देते हैं चले, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले खाई है। ये पेड़ है, ये मुर्गी अंडों पे आ गई हुई है, हमारी मुर्गी बिल्कुल अंडों पे आ गई हुई है। और ओ, उसको बंद कर दो, उसको बेटा बंद कर दो, वो वाली मुर्गी उसको मारेगी। ये जी हमारा पेड़ है माशाल्लाह, ये मुर्गी अंडों पे आ गई हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस मुर्गी की, बच्चे बहुत अच्छे निकालती है जी। तो ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अब चलते हैं हम आगे आगे, जो देसी मुर्गियां ना उनकी तरफ चलते हैं, और वहाँ पे हमने एक और मादी अंडों पे बिठाई हुई है, वो भी आपको चेक करवाएंगे, उसके बाद इनको हम कुछ डालेंगे। ये जी हमारी देसी मुर्गियाँ, जो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज इन्होंने 8 अंडे दिए हैं। एक ने तो यहाँ पे घोंसला बनाया हुआ है, इस घोंसले के अंदर भी अंडा देती हैं। तो ये जो है अच्छे अंडे देती हैं, जो मुर्गी इस डरबे के अंदर मैंने बिठाई हुई है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी हाई क्वालिटी मुर्गी है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मादी है जी, मादी आप चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। इसके नीचे जी 13 अंडे जो है हमने रखे हुए हैं, 13 एग्स हैं इसके अंदर जी। इसको भी अभी मैं उठाऊंगा, आपको इसके अंडे भी दिखाते हैं, चेक करवाते हैं। इनको पहले मैं बंद करूंगा, ये वाले बच्चे जो हैं वो बहुत तंग करते हैं। चलो चलो चलो, अपने डरबे पे चलो, शाबाश।
चलो चलो अपने डरबे के अंदर चलो, शाबाश, चलो 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 ये माशाल्लाह, चलो चलो शाबाश शाबाश। इनको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि वो वाली मुर्गी जो है वो मंडों से मैं तो बैठी हुई है ना, जो उसको भी उठाऊँगा और उसको निकालूंगा आपको। ये इनको मैंने डाल दिया खाना, ये खा रहे हैं जी, ये जी ये मर दिया, इसको मैं उठाऊंगा अभी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये जी मैंने उठा लिया, ये मर दिया जी, ये मर दी, चेक करें आप। बहुत डरती है जी, ये देखें जी, ये इसके अंडे हैं जी, माशाल्लाह 13 अंडे रखे हुए हैं इसके नीचे हमने। तो ये देखें इसकी बनावट कैसे बनाई हुई है, हमने कारपेट बिछाया हुआ है इसके नीचे जी। तो गाइस ये जो है ना मुर्गी, इसको अंडों पे बिठाया हुआ, ये पानी पी रही है, मैंने इसके आगे पानी रखा, पानी नहीं था, मैं नीचे से पानी लेके आया हूँ अभी, भागता भागता मेरा सांस फूल गया। अच्छा इसके अंडे हैं, कुछ अंडे इसके हैं, कुछ जो अंडे हैं वो दूसरी मादियों के, 13 अंडे हैं इनके। तो इसको हम वापस अभी एग्स पे बिठा देते हैं, ये पानी वगैरह पी लेते हैं। ये दो जोड़े जो है यहाँ पे रहते हैं, एक ये 3 बच्चे हैं इसके, और ये वाले इसके अंदर 4 बच्चे हैं, ये छोटे हैं ज़्यादा, वो तकरीबन 1 मंथ के हो गए हुए हैं। तो ये मुर्गी जो है ना, ये वाला पेयर, ये भी अंडों पे आ गया हुआ है, जैसे अंडे देगा फिर हम इसकी भी अपडेट जो है वो आपको देंगे। तो बाकी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, जो है चैनल अप नहीं जा रहा हमारा, सपोर्ट करें, प्यार करें, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो है वो आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया, वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। और ये अंडे हैं जी, दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, कारपेट डाल के डाले हुए हैं इसके ऊपर, ये हमने घोंसले बनाए हैं, मुर्गियाँ जो है देसी इधर ही फिरती रहती हैं। तो अब मैं इनको बंद कर दूंगा और नेक्स्ट जो है वो अपडेट के लिए आपसे जुड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन बाद दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपको इनकी अपडेट देंगे, इनके बारे में बताएंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये जी दोबारा अपने अंडों पे बैठ गई है आगे जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।